एक इंसान कुत्ते की तरह भौंकने लगा। कुत्तों की तरह हरकतें भी करने लगा। कुत्तों की तरह लोगों को काटने दौड़ने लगा। जब इंसान से बना कुत्ता तो घर वालों ने बांध दिए पैर। पहले कुत्ते की तरह एक इंसान भौंकने लगा, हांफने लगा, खुजलाने लगा और लोगों को काटने दौड़ने लगा तो घर वालों ने इंसान से कुत्ता बन चुके शख्स के हाथ पैर बांध दिए। आखिर क्यों एक इंसान कुत्तों जैसी हरकत करने लगा, ये हम आपको बताएं। उसके पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर कुत्ता काटे तो इलाज करवाएं, अस्पताल जाएं, नहीं तो लाइलाज बीमारी का खतरा बना रहेगा। एक ऐसी बीमारी जिसका इलाज बहुत मुश्किल है। देखिए इस शख्स को, इसको एक पागल कुत्ते ने काट लिया था। उसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। पूर्णिया के रूपौली इलाके का रहने वाला पंकज अपना दिमागी संतुलन खो चुका है। उसके साथ परिजन इलाज के लिए दर दर भटक रहे हैं। इलाज समय पर ना होने के कारण उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। सोचिए जिसको हम और आप बहुत कम आंकते हैं, लापरवाही करते हैं, उसने क्या कर दिया, एक जिंदगी को मौत के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। परिजन बताते हैं कि 2 महीने पहले पंकज को किसी पागल कुत्ते ने काट लिया था। कुत्ते के काटने की जानकारी परिजनों ने किसी को नहीं दी, जिसके कारण समय पर इलाज नहीं होने से आज उसकी तबीयत अचानक खराब हो गई और वो पागल जानवरों की तरह हरकतें करने लगा। जब तक कुछ समझ आता तब तक उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। आनन फानन में पूर्णिया मेडिकल कॉलेज लाया गया, जहाँ से उसे डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया। दो महीने पहले कुत्ता काटा था, अभी क्या हो गया? अभी रेफर पुलिस जब लाए उनको सुई दिया, सुई देने के बाद रेफर कर दिया। आज सुई दिया जी, मतलब कैसा कैसा हरकत कर रहा है ये? जब से सुई पर आया तब से जो इनको हवा बर्दाश्त नहीं हो रहा, पूरा छटपट कर रहा है, दौड़ भाग रहा है जी। तभी यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पर लाए थे इनको जो है पटना रेफर कर रहा है। अच्छा, जिसमें कुत्ता काटा उसमें सुई दिलवाए थे इनको? झाड़ फूक किया था, सुई नहीं दिलवाए थे? नहीं दिलवाए। डॉक्टरों के मुताबिक रेबीज नाम की बीमारी का कोई इलाज नहीं है। समय पर एंटी रेबीज का सुई लेना ही एकमात्र बचाव है। रेबीज जो है एक वायरस होता है जो अक्सर जंगल में होता है, और वो जानवर जो जंगल में जाके सरा गला मांस खाता है वो भारत वहाँ डेवलप करता है, उससे वो इन्फेक्टेड हो गया है अगर, और वो डॉग हो चाहे वो कोई भी जंगली जानवर हो, उसमें चला गया उसके बॉडी में, बहुत जल्दी फैलता है, और वो अगर किसी को काटता है या नोचता है तो उसे इन्फेक्शन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हालत में वो डेवलप कर सकता है। इसका ट्रीटमेंट कुछ नहीं है, बचाव है सिर्फ। अस्पताल परिसर में कुत्तों जैसी हरकत करने वाले मरीज के साथ जब उसके परिजन पहुंचे तो लोगों की भारी भीड़ लग गई। एक इंसान जानवरों की तरह हरकत कर रहा था, कुत्ते की तरह चीख निकाल रहा था, कभी जमीन पर लेट रहा था। शायद समय पर इलाज होता तो पंकज की स्थिति न होती और वो जिंदगी से जंग नहीं लड़ रहा होता। विकास कुमार, पूर्णिया।